हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शारजा 100 लीग की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर 11S वर्सेस ओसिन 7 के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अरेबियन T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, साथ ही में यहाँ पर नबी मुंबई T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च करिए @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बात करें इस मैच की, तो ये मैच शाम को 7:45 पर शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करो तो ऐसे बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है, शॉर्ट बाउंड्रीज है और उसका पूरा फायदा ऐसे बैट्समैन को मिलते हुए एक अच्छा और एक बड़ा स्कोर आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। मैंने यहाँ पर 140 मेंशन किए, लेकिन इससे भी बड़ा स्कोर होगा, यानी कि 150-160 तक भी स्कोर जा सकता है। बाकी यहाँ पर टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है। तो सबसे पहले ऐसे बात करते हैं टीम ESC की। तो लास्ट या से ओपनिंग की बात करें, ओपनिंग में यहाँ पर ये दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं, कौन है नब्बा शायद टीम की कैप्टनशिप करवा सकते हैं। देखो बैटिंग ऑर्डर है, जोड़ा था ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये ऐसे ज़्यादातर ओपनिंग ही करते हैं ऐसे कौन है नब्बा और साद अली। तो मेरे लिए ना यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंस रहेंगे। साद अली ने पिछले टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी अच्छे किए थे, 65 और 38 जैसे दो बड़े स्कोर किए थे। हालांकि इसके बाद 3 मैच के अंदर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था, लेकिन प्लेयर अच्छा है यहाँ पर, तो इस बंदे के ऊपर हम लोग भरोसा करते हुए जा सकते हैं। बाकी कौन है नब्बेस अब्बास वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, अगर ESC पहले बैटिंग करवाए तो मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकता हूँ। ये ना आई थिंक यहाँ पर ये इंडिया टीम इंडिया की तरह यहाँ पर कौनेन अब्बास से ना कर्नाटक की तरफ से डोमेस्टिक लेवल की मैचेस वगैरह खेले हुए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे ऐसे कौनेन अब्बास। साद अली को भी इंपॉर्टेंस मानता हूं मैं। बाकी युवराज बारुआ की बात करूं तो काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन बैटिंग से पिछली टूर्नामेंट मैच में कुछ खास नहीं किया था, लेकिन इसके पहले 7 मैच के अंदर करीबन 55 के एवरेज से 271 रन थे, तो ये ओवर्स भी रेगुलर करवा सकते हैं। तो इस प्लेयर के ऊपर आपको परफेक्ट रिस्क लेना है, यहाँ से कंसिस्टेंसी दिखा सकता है वो बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों ही में। बाकी रमीज शहजाद की बात करो तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाना है। और इनके अलावा ऐसे एहसान शहजाद भी एक अच्छी पिक है, हालांकि पिछली दोनों टूर्नामेंट के अंदर कुछ खास नहीं किया, आप देख सकते हो कुछ खास नहीं किया था, लेकिन भरोसा कर सकते हैं यहाँ पर, रिस्क ले सकते हैं इस प्लेयर के ऊपर, कभी भी ऐसे ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकता है। तो अगर आप लोग इनको लो तो सीधा कैप्टन वाइस कैप्टन करना, या फिर ऐसे इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इनको एज अ प्लेयर लेके जाना। इमरान जैदी एज अ डिफरेंस प्लेयर में आप लोग ट्राई कर सकते हो, 4 मैच के अंदर करीबन 32 के एवरेज से 128 रन है, बैटिंग से अच्छा कर सकते हैं। इनके अलावा ऐसे शेर अली है, जो कि आपको बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं, ये आपके लिए पंट प्लेयर बनेंगे शेर अली, तो इनको डिफरेंशियल में पक्का इस प्लेयर के ऊपर रिस्क ले सकते हो, या तो बैटिंग से या बॉलिंग से आपको तगड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। और आई थिंक यहाँ पर मुझे इनके T20 के रिकॉर्ड्स नहीं मिले, लेकिन इनकी मैंने कहीं ना कहीं तो इनकी बैटिंग्स देखी हुई है, आई थिंक मुझे याद है तब तक के लिए। तो इस प्लेयर के ऊपर आप लोग यहाँ पर रिस्क ले सकते हो और कभी भी बड़ा एडवांटेज दे सकता है, इवन यहाँ पर ग्रैंड लीग वगैरह जो खेलते हैं ना, उसमें एक आधी टीम के अंदर इस प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना। अरसल अली अहमद एज अ प्लेयर एक अच्छी पिक बन सकते हैं हमारे लिए, ये बैटिंग के साथ साथ ऐसे ओवर्स रेगुलर करवा सकते हो, तो भरोसा कर सकते हो। बाकी नीलांश केशवाणी एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। मैंने यहाँ पर काफ़ी नीचे इनको मेंशन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बैटिंग से इनको ऊपर भेजा जा सकता है, तो एज अ प्लेयर के साथ आप लोग इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। सुल्तान अहमद यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहेंगे, और ऐसे शरीफ असदुल्ला की बात करूँ तो इनको डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो। सुल्तान अहमद को मैंने इसलिए यहाँ से इंपॉर्टेंस माना है, क्योंकि ये UAE की तरफ से इंटरनेशनल मैचेस वगैरह खेलते हैं, काफ़ी अनुभवी प्लेयर है, तो इसलिए आप लोग ऐसे इनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो। असदुल्ला को एज अ डिफरेंशियल में जरूर ट्राई करिएगा, किसी की नज़र नहीं, लेकिन ये कंसिस्टेंसी दिखा सकता है गेंदबाजी में, हर एक मैच के अंदर ऐसे 1-2 विकेट निकाल सकता है। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए बात करें हम लोग ऐसे टीम OCS की,
तो OCS की तरफ से ऐसे मोहम्मद कामरान अट्टा और नायक मोहम्मद दोनों ओपनिंग करवाएंगे, दोनों ही इंपोर्टेंस रहने वाले। इवन यहाँ पर ये दोनों ही कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस बनेंगे, तगड़े प्लेयर हैं। हालांकि नायक मोहम्मद अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट में खेले अरेबियन T20 के अंदर, वहाँ पे पहली मैच के अंदर वो 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन ओवरऑल प्लेयर जबरदस्त है। इसके पहले उन्होंने उनका दो मैच का कॉम्बिनेशन है, ऐसे दो टूर्नामेंट का कॉम्बिनेशन है ये, वहाँ पर 53-28-23 जैसे 37-57 जैसे स्कोर किए थे। बाकी कामरान अट्टा वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, 58-36-85-35-73 यानी कि बड़े बड़े स्कोर किए हुए, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। ये भाई साहब आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे कामरान अट्टा, और ये भाई साहब आपको बैटिंग सेक्शन से दिखेंगे। और बात करें ऐसे इमरान जावेद की, तो इमरान जावेद इस मैच के लिए यहाँ से आपको ऊपर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, हालांकि ज़्यादातर ये थोड़े से नीचे ही खेलते हैं, लेकिन तभी ना ये सीनियर प्लेयर्स के साथ साथ जब भी खेलते हो थोड़े से नीचे खेलते हैं। बाकी ओवरऑल काफ़ी अनुभवी प्लेयर है, 364 मैच का अनुभव है, तो इस प्लेयर के ऊपर आप लोग भरोसा कर सकते हैं। इवन एज अ प्लेयर मैं ऐसे इनको जरूर लेके जाऊँगा, हो सकता है यहाँ पर एक दो ओवर्स भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर ओवर्स जो है वो 5 गेंदों की यानी 5 बॉल की ओवर होने वाली है, और हर एक गेंद मैच की बात करें तो मैक्सिमम वो 20 गेंदें डाल सकता है, यानी कि 20 बॉल ही डाल सकता है, 21वां नहीं डाल सकता है। तो यहाँ से ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो ऐसे इमरान जावेद को। जमशेद बट वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहे कि ये बंदा अभी रिसेंटली बैटिंग से अच्छा फॉर्म में, भरोसा आप लोग कर सकते हो इनके ऊपर, करीबन 38 की एवरेज है। और इनके अलावा ऐसे इसरार अहमद को मैं इंपॉर्टेंस मानता हूँ, ये भी रिसेंटली अच्छे फॉर्म में है, और यहाँ पर आपको टॉप में थोड़े से खेलते हुए नजर आएंगे, इवन यहाँ से तीसरे चौथे नंबर पर भी आ सकते हैं, तो जरूर लेके जाना है। अब्दुल मुख्तर बाबर की बात करो तो एज अ डिफरेंस वाले में आप लोग ट्राई कर सकते हो, ओवरऑल रिकॉर्ड तो अच्छे हैं, लेकिन इसके मैंने इनको पहली बार देखा हुआ है, आंकड़ों के हिसाब से प्लेयर अच्छा है, लेकिन मेरा और उनका अभी तक मीटअप हुआ नहीं, यानी कि इसके पहले मैंने कोई टूर्नामेंट के अंदर उनको देखा नहीं है। तो यहाँ से आप लोग चाहो तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो आंकड़ों के हिसाब से। आसिफ को मैं सजेस्ट नहीं करता, काफ़ी नीचे गलते हैं। अली अकबर एज अ डिफरेंस वाले में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अली अकबर जो यहाँ पर 3-4 ओवर्स पूरी करवा सकते हैं, तो इस प्लेयर के ऊपर आप लोग चाहो तो भरोसा कर सकते हो। बाकी जुबैर खान वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है यहाँ पर। मोहम्मद मुदस्सिर गुलाम वेरी इंपॉर्टेंट पिक, ये दोनों गेंदबाज इंपॉर्टेंस रहेंगे यहाँ पर, जुबैर खान और गुलाम। बाकी अली रजा की बात करो तो एज अ डिफरेंस वैल्यू में रिस्की खेलो तो ट्राई करिएगा, वैसे ये भी यहाँ पर 3-4 ओवर्स की गेंदबाजी पूरी करवा सकते हो, तो ट्राई कर सकते हो वैसे अली रजा को। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी ले सकते हैं, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो मैं दोनों विकेट कीपर के साथ जा रहा हूँ, कौन अब्बास और ऐसे मोहम्मद कामरान अट्टा दोनों को ले रहा हूँ। और बाकी बैटिंग सेक्शन की बात करूँ तो नायक मोहम्मद और शौर्य सिंह मैंने शायद यहाँ से बैटिंग यहाँ पर टीम के ऐड लाइनअप में ऐड किया था या नहीं किया था, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन यहाँ से इनको सजेस्ट जरूर करूँगा, ऐसे हम लोग शौर्य सिंह के साथ जाएंगे। इनके अलावा यहाँ से आप लोग कामरान जैसे धीमन को भी ट्राई कर सकते हो, करण धीमन जो कि इंडिया के बेसिकली, और यहाँ पर को इनके चाहिए तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, देख लेते फिर भी अगर लाइनअप में बाद हमको चॉइस ना मिले तो ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा मैं यहाँ से इस प्लेयर के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, यहाँ से हमजा सलीम, क्योंकि इसी नाम से यहाँ से हमजा सलीम ढार करके एक ECS T10 में भी प्लेयर खेलता है, ऐसे स्पेन की तरफ से, वही है या नहीं है कन्फर्म नहीं है, इसके लिए मैंने इनको यहाँ से अभी के लिए ड्रॉप किया हुआ है। बाकी वही प्लेयर है तो अच्छी पिक है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकता है क्योंकि वहाँ पर तो अच्छा करता है, हालांकि वहाँ की मैचेस में इस मैचेस के अंदर भी काफ़ी फ़र्क है, लेकिन फिर भी आप लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, तो रिस्क के तौर पर ट्राई करिएगा। यहाँ से युवराज बरुआ इंपॉर्टेंट पिक है, इस प्लेयर के ऊपर पूरा ध्यान देना है, फिर भी मैं लाइनअप के बाद हमारी टीम जो है चेंजेस होती हुई दिखेगी आपको। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर इसराज अहमद है, सुल्तान अहमद है और नीलांश केशवाणी रहेंगे। इनके अलावा बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो शरीफ असदुल्ला है, मोहम्मद जुबैर खान और यहाँ पर मुदस्सिर गुलाम हमारी टीम के अंदर रहने वाला है। यहाँ से आप लोग अरसलन अहमद को ट्राई कर सकते हो, और बाकी ऑप्शंस यहाँ पर ये अहमद जो है एहसान शहजाद को भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर जे बट है, जमशेद बट ये भी अच्छा प्लेयर है, पर भरोसा कर सकते हो। टीम की बात करूँ तो कुछ इस तरह से रहेगी, कौनन अब्बास को मैंने कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन नीलांश केशवाणी को किया है, आप लोग रोटेट भी कर सकते हो। बाकी पब्लिक के साथ जाना चाहो तो इसरार अहमद सबके कैप्टन है, आप लोग इनको भी कर सकते हो। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहे जो टीमें डेमो है फाइनल मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इनकेस लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी एडिशन चैलेंजर, या फिर आप सर्च करिए @FDC27 और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलने वाली है। यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है,
और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।